ऑल ओवर कनाडा कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं और लिस्ट में टॉप पे कौन सी है और जो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आप ज़रा उसमें भी आप इंटरेस्टेड होंगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तुहाडा अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ यानी किस तरह के मौके मिल सकते हैं और मसाइल क्या होंगे, यानी अपॉर्चुनिटी वर्सेस प्रॉब्लम्स पर हम बात करेंगे और स्पेशली कनाडा के प्रोविंस की बात करेंगे जिसे इकोनॉमिक इंजन कहा जाता है कनाडा का, और उसका नाम है अल्बर्टा। और आप जानकर हैरान होंगे अल्बर्टा की जो टोटल पॉपुलेशन है और ख़ास करके यहाँ पर जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, मेन एम्प्लॉयर हैं, इनके बारे में। और चूंकि आप आ रहे हैं, आने की प्लानिंग करेंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने जा रही है कि किन एरियाज़ पर आपने फोकस करना है ज़ाहिर सेटलमेंट के हवाले से, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करते हैं अल्बर्टा की, जिसे अल्बर्टा का इकोनॉमिक इंजन कहा जाता है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर यंग और वाइब्रेंट टैलेंटेड वर्कफोर्स है, और ख़ास बात यह है इस प्रोविंस में कि यहाँ पर जो बिज़नेस के हवाले से बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं और उसे जॉब क्रिएशन के भी मौके मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि जॉब के मौके हैं, लेकिन चूंकि लोग ज़्यादा आए हैं, और ख़ास बात यह है कि कनाडा के प्रोविंस अल्बर्टा के जो दो बड़े शहर हैं, आपको मालूम है कि अल्बर्टा का जो कैपिटल है वो एडमंटन है, और इसका जो बड़ा शहर है, बल्कि कनाडा का तीसरा बड़ा शहर कैलगरी है, और इसकी आबादी 1.6 मिलियन है, और इसके मुकाबले में स्लाइटली कम है आबादी एडमंटन में, और 1.1 मिलियन है। और टोटल अल्बर्टा की जो पॉपुलेशन की हम बात करें तो यानी 4.8 मिलियन यानी कि 48 लाख है। तो आपको इस बात से ये भी क्लियर हो जाएगा कि अल्बर्टा जो पूरा प्रोविंस है उसकी कुल आबादी का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा कैलगरी में मुकीम है और कैलगरी में आबाद है और एडमंटन में। और हमारे लोग चूंकि देसी लोग, वो भी आकर ज़्यादातर कैलगरी में रहना पसंद करते हैं और एडमंटन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ और बाकी जॉब के हवाले से। और इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि पूरा जो बाकी प्रोविंस है निस्फ से कम आबादी बाकी एरियाज़ में है, और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। और चूँकि अल्बर्टा की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी तसव्वुर की जाती है, चूँकि नेचुरल गैसेस और क्रूड ऑयल पर ये डिपेंड करती है, तो वहाँ पर हवा चलना शुरू हो गई, मैं आगे मूव हो गया और डिस्टॉर्शन भी आपको आ रही होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑल ओवर कनाडा कौन सी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं और लिस्ट में टॉप पे कौन सी है और जो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आप ज़रा उसमें भी आप इंटरेस्टेड होंगे, तो ट्रैवल और टूरिज़्म इंडस्ट्री ऑन टॉप है, इसमें स्कोप है और ये ग्रो कर रही है। इसके बाद ई कॉमर्स का दूसरा नंबर है, और ई कॉमर्स पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और उसके बाद नंबर थर्ड पे आती है कैनबस इंडस्ट्री, कैनबस इंडस्ट्री जिसमें से मरावाना कहते हैं, और उससे अब प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो कि मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी यहाँ पर जो ओल्ड एज के लोग हैं, यानी उनकी हेल्थ के लिए, यानी एक तरह से मेडिसिन का अल्टरनेट भी वो दिया जा रहा है, और उससे लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है, उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। इस पर भी काम हो रहा है, ये इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। होटल एंड मोटल की इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स और रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में भी खासा स्कोप है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इस तरह से आप देख सकते हैं लिस्ट में, और यहाँ पर भी हवा चलना शुरू हो गई है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आप अगर कनाडा आना चाहते हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कि अगर आप टूरिज़्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से हैं तो डेफिनेटली उसका स्कोप है, और इसके अलावा ई कॉमर्स के हवाले से, आईटी के हवाले से, स्पेशली आईटी के हवाले से जॉब्स आपको मिलेंगी ऑब्वियसली कैलगरी में और एडमंटन में। उसके अलावा अगर हम टाउन्स के हवाले से बात करें और बाकी रूरल एरियाज़ की बात करें, यहाँ पर ज़ाहिर है मसला तो आपको होगा चूँकि आपकी रिहाइश के हवाले से, कॉन्टैक्ट के हवाले से, लेकिन अगर आप एक दफ़ा फिट इन हो गए तो आपको काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और जैसे कि आपने ये भी सुना होगा रूरल एरियाज़ में स्पेशली अगर आप वर्क करते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तो परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से, पीआर के हवाले से भी स्टूडेंट्स को काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ज़रा मुश्किल तो होगा आपको, ज़ाहिर पहली बार जब आप आते हैं, आप नए होते हैं, मुश्किल तो होती हैं और मसाइल तो होते हैं, ज़रा कहीं भी आप जाते हैं, लेकिन मसाइल के साथ साथ अगर आप उनको थोड़ा सा सॉल्व करने के हवाले से भी अपनी स्ट्रेटजी रखते हैं, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो रूरल एरियाज़ पे ज़रूर फोकस करिए। आज की वीडियो का मकसद ये है कि अल्बर्टा में कैलगरी और एडमंटन के अलावा भी जो बाकी शहर हैं, रेड डियर हो गया, फोर्ट मैकमरी
बरी हो गया और इसके अलावा पाखी लेथब्रिज हो गया, वहाँ पर भी अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट बनता है, कोई रेफरेंस बनता है, वहाँ पर आपकी सेटलमेंट होती है, तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ कनाडा में सेटल होने के लिए। आज की वीडियो से इतना ही, थोड़ी हवा चल रही है, डिस्टॉर्शन आपको आ रही होगी और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह हाफिज़।